हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में कुकिंग विद शालिनी में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट, बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंडशिप डे पास आ रहा है और फ्रेंडशिप डे में सबसे अच्छी गिफ्ट देने के लिए फ्रेंड्स को चॉकलेट है। चॉकलेट हम आज बड़े अच्छे इजी तरीके से बनाएंगे। इसको आप अपने फ्रेंड्स को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। तो चलिए तो ये शुरू करते हैं बनाना अपनी चॉकलेट। चॉकलेट बनाने के लिए हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिए। इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। रूम टेम्परेचर पे हमने चॉकलेट को पहले ही निकाल कर रख लिया था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, इस तरह तोड़े तो आराम से टूट रही है। रूम टेम्परेचर में रखने से क्या होता है कि जब हम इसको डबल बॉयलर में मेल्ट करते हैं तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया एक पैन और इसमें पानी डाल दिया और गैस नीचे से हमारी ऑन है। हमने बॉइलिंग इसको कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे। हमने अब अपनी चॉकलेट लेनी है। इसको हमने एक बोल में डाला हुआ है पहले से ही। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, पर ध्यान रहे कि पानी के साथ जो है ये बोल टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इस तरह रखेंगे। पूरा ये अच्छे से फिट आ गया, आप देख सकते हैं। इसको धीरे धीरे से हम हिलाएंगे। गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर लेंगे। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट होने लगी है। तो इसको लगातार हिलाते हुए इस तरह से हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए आप किस तरह से जल्दी से जो है मेल्ट होने लगी है। इसका जो बोल है हमारा, इसका कॉन्टैक्ट पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं है, टच बिल्कुल नहीं कर रहा है पानी को। गैस को हमने उस तरह से रखना है कि जो पानी है हमारा उबल कर ऊपर को ना आए, ताकि अगर ऊपर को ये ऊपर को आएगा तो ये हमारे बोल को टच करेगा। तो हमने गैस को उस फ्लेम जो है उसी तरीके से उसी हिसाब से रखना है। तो हमारा फ्लेम जो है मीडियम है, मीडियम फ्लेम में मैं इसको बना रही हूँ। आपका जो मीडियम अगर बहुत तेज़ हो तो आप गैस को बिल्कुल हल्का करके और उस तरह से बनाएं। तो आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के सेक से ही जो है ये इस तरह से मेल्ट हो जाती है। गैस का फ्लेम आपको मीडियम भी करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का भी रखेंगे तो इस तरह से फर्स्ट क्लास जो है ये मेल्ट होने लगी। तो मैंने अब पहले मीडियम था, अब इसको बिल्कुल हल्का कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारा किस तरह से मेल्ट हो गई है। अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स नहीं है। ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गई। ये देखिए इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको इस तरह से कोई भी स्क्वायर बोल या कोई भी आपके पास ट्रे हो आप इस तरह से ले सकते हैं। उसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से बटर पेपर। इसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का ग्रीस करना है। इसको हमने ग्रीस कर लिया। ये चॉकलेट बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के मोल्ड की जरूरत नहीं है। अब ये चॉकलेट जो हमने डबल बॉयलर में मेल्ट करी है ये इसमें डाल देंगे। हल्की सी ये ठंडी हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल इसको हल्का ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं, ये तो फिर से ये जमने लगेगी। इसको थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। ये चॉकलेट जो है डार्क कंपाउंड चॉकलेट आराम से बाजार में मिल जाती है। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमने चॉकलेट को फैला लेना है बिल्कुल इक्वली। हल्के हाथ से इसको टैप कर लेंगे इस तरह से, ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो सब निकल जाए। इसको सुंदर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ, बादाम, पिस्ता, काजू इसके साथ करेंगे। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा और चॉकलेट भी बहुत ही अच्छी लगेगी। जब आप इसको गिफ्ट करेंगे तो ये बहुत ही देखने में सुंदर लगेगी और सभी को आपके फ्रेंड्स को अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ये कर दिया। एक लाइन हम कर देंगे स्प्रिंकलर्स की, हल्के हल्के से स्प्रिंकलर्स डाल देंगे। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। इस तरह से इसको हल्का हल्का डाल देंगे और एक हम बड़े स्प्रिंकलर से इसकी जो है डेकोरेशन करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास स्टार्स हैं, कुछ कलर्ड स्टार्स हैं अलग अलग कलर्स के। तो ये देखिए इस पर कितने सुंदर लग रहे हैं। इससे जो है हम इसको डेकोरेट करेंगे। ग्रीन, रेड, येलो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कलर्स के हैं। तो लीजिए बहुत ही सुंदर लग रही है, डेकोरेट हो गई है। अब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको निकाल लीजिए। आधा घंटा हो गया, चेक कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं अपने मोल्ड से इस तरह से। ये बटर पेपर को थोड़ा सीधा कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये जम गई है। इसको करेंगे हम कट नाइफ की हेल्प से। तो हम यही शेप रखेंगे, इसकी शेप जो है बहुत ही बढ़िया लग रही है इस तरह से। तो अब हम दूसरी वाली काटेंगे। अगर आप स्क्वायर पीसेस चाहते हैं तो थोड़ी देर इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे और उसके बाद जो है इसको कट करेंगे, नहीं तो हम इसी तरह से रैंडमली इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको पीसेस में कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका पीस निकला है। तो चॉकलेट हमारी बहुत ही बढ़िया बनी है, इसको भी कट कर लेंगे। तो लीजिए चॉकलेट हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्ट
टेस्टी बनी है, खाने में बहुत ही जो है टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी से इस फ्रेंडशिप डे में अपनी फ्रेंड्स को दें। आप राखी पे भी इसको बना सकते हैं, अपने ब्रदर्स के लिए बनाएं, ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स के लिए बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।